काठीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की जगह साइकिल चलाकर सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की। बता दें कि विगत कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती नजर आ रही है, जिसके चलते आज काशीपुर में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर साइकिल चलाते हुए सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के शरीर से कपड़े उतारने का काम किया है, यही कारण है कि महंगाई की वजह से हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कहा कि जिस समय पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कोरोना वायरस देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देश की भलाई को न सोचते हुए चीन के बारे में ज्यादा विचार रखता है, उस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे इस देश की भलाई के लिए सोच सकते हैं। अर्धनग्न का मतलब यह है कि आज की तारीख में व्यापारी, युवा, कारोबारी सबके सब त्राही त्राही मची हुई है। भाजपा सरकार ने अब हमारे शरीरों से, आम आदमी के शरीर से कपड़े उतारने का काम किया है, थाली में से रोटी खींचने का काम किया है। आज किसानों को जिस प्रकार से सबसे अधिक खपत धान रोपाई में डीजल और पेट्रोल की होती थी, उस दौरान किसानों को ठगा है। सबसे ऊंचे दामों पर 73 वर्षों में आज 80 के पार पेट्रोल और डीजल हो चुका है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री और राज्य की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से कैबिनेट बुलाएं और पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तत्काल प्रभाव से कम। कपड़े तो कांग्रेस के उनके अध्यक्ष ने ही उतार दिए हैं। आज उनका अध्यक्ष जो कि चीन के साथ खड़ा है, भारत की सेना के, भारत की संप्रभुता के साथ नहीं खड़ा है, इन कांग्रेसी कपड़े तो वहीं उतर चुके हैं। और रही बात आज के समय में, जबकि कोरोना काल चल रहा है, इन्हें समाज के साथ और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जनता को ना बरगलाएं और कोरोना के प्रचार प्रसार में साझेदार ना हो। रही बात तेल के दाम बढ़ने की, तेल के दाम इंटरनेशनली कंट्रोल होते हैं, और दूसरी बात जिस समय हम देश में हम महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं औद्योगिक गतिविधियों में कमी आई है, रिवेन्यू में कमी आई है, और जन समाज के लिए पैसा खर्च करने में कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ के आई है, यदि पेट्रोल डीजल के माध्यम से कुछ चंदा, कुछ सहयोग अगर समाज से लिया जाता है तो मैं इसे गलत नहीं मानता, और कांग्रेस को इसके लिए आगे आना चाहिए। कुछ सकारात्मक विचारों के साथ क्यों नहीं आते, सिर्फ उनका एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार देश की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, समाज की भलाई के लिए जो भी कार्य करते हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि समाज का क्या नुकसान फायदा होने वाला है, सिर्फ एक चला विरोध और विरोध। आज उनके सहयोगी दल भी कांग्रेस के साथ नहीं है, और आने वाले समय में हमें, मैं देखने वाला हूँ कि जनता इनको इसका दंड देगी और कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा।